मैं विनीत कुमार नालंदा नूरसराय परासी गांव से। हमारी ये गाय और बच्चे हैं और ये देखिए हमारी बछिया है। तो इसके नेचर में बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करने से सुधार आ गया और हम इसका कई तरीके से प्रयोग करते हैं। हमारी दुलरुआ गाय है, ये पहले थोड़ा ढूंसती थी, हम लोग को मारती थी, लेकिन जब से डिकम्पोजर पिलाए तो पता नहीं क्यों इसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया और बड़े ही प्यारा अभी इसका हमसे दुलार से एकदम मिलती है। ये हमारी बछिया है और हमारी ये जो गाय है उसका दूध थोड़ा सा मात्रा भी बढ़ गया और स्वाद में इसका बड़ा सुंदर हो गया है, मिठास बढ़ गई है स्वाद में। दूध की जो दिव्यता होती है स्वाद में, वो स्वाद में दिव्यता आ गई है। और ये हमारी बछिया देखिए एकदम प्यार से हमने एकदम हम इसको बेस्ट डिकम्पोजर का थोड़ा थोड़ा सा सेवन कराते रहते हैं और इसके शरीर पर डिकम्पोजर लगाने से इसका चमोकन भाग जाता है। गौशाला में स्प्रे करने से मच्छर वगैरह की कमी हो जाती है गौशाला में। यदि आपकी आदत है तो मच्छर के साथ रहने की तो मत डालिए बेस्ट डिकम्पोजर, लेकिन अगर मच्छर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप डिकम्पोजर डाल लें अपने गौशाले में। 3-4 दिन पे दीवार और फर्श पे स्प्रे करते रहें तो आपका एकदम साफ सुथरा रहेगा और गाय का दूध अच्छा रहता है, निरोग हो जाता है गाय। हमारे एक मित्र के यहाँ हमने बनवाया था तो उनकी गाय प्यासी हुई थी और खुल के अचानक से पी लिया, उनके बछड़े ने भी पी लिया। गाय प्रेग्नेंट थी तो मुझे बड़ी चिंता हुई थी पहली बार कि पता नहीं कोई खतरा ना हो जाए, लेकिन गाय को कुछ नहीं हुआ, गाय निरोग अच्छे से रही, बढ़िया से बच्चा दिया और आज वो ठीक से वो भी प्रयोग कर रहे हैं। वो चंडी प्रखंड के कोरनामा गाँव के राम अनुज बाबू हैं। तो मित्रों, डिकम्पोजर सब्जी में, फल में, फूल में, बागवानी में, मशरूम की खेती में और गौपालन में बहुत ही उपयोगी है। आप देख सकते हैं हमारे गौशाला के पास ही हमारा ये देखिए हम बनाए हुए हैं गोबर सड़ाने के लिए। तो गोबर जो 2 साल में सड़ता है वो हम डिकम्पोजर यदि प्रयोग करते हैं तो 40 दिनों में हमारा ये गोबर सड़ जाता है, देखिए इस प्रकार से, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाए हैं ताकि और किसानों को तक सूचना पहुंचे। और किसानों का दायित्व है बेस्ट डिकम्पोजर को प्रयोग करें, उनके जोरन को अपने घरों में संरक्षित करके रखें, इससे किसानों का फायदा है, किसानों की जवाबदेही है कि हमारे लिए जो फायदेमंद चीज़ है जैविक खेती में और गौ पालन में, मछली पालन में, मशरूम की खेती में, अभी हम मधुमक्खी पालन में भी उसके बक्से के आसपास बक्से के अंदर उसको मधुमक्खी के बक्से को अंदर से स्टरलाइजेशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व है, हमारे फायदे का चीज़ है, हमारा सामाजिक संरक्षण और राष्ट्रीय संरक्षण होगा किसानों का, ये हमारा दायित्व है। हम किसी सरकार की ओर न देखें, हम अपनी ओर देखें। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है इस आंदोलन को तेज करें, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में घर घर में डिकम्पोजर किसान प्रयोग कर रहे होंगे और उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।